सुशांत सिंह राजपूत के बाद जहां नेपोटिज्म का पुरजोर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दबंग खान यानी कि सलमान खान पर भी फिल्म इंडस्ट्री में दादागिरी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सलमान खान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में वो कई लोगों पर हाथ तक उठा चुके हैं। जी हाँ, सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के रिलेशंस कैसे हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि दोनों के रिश्तों में असली खटास कहाँ से पैदा हुई। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही स्टार ऐश्वर्या राय की वजह से आपस में भिड़ गए थे, लेकिन विवेक ओबेरॉय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान की दादागिरी के बारे में भी बताया था। विवेक ओबेरॉय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान के कुछ मैसेजेस का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्हें सलमान ने सरेआम पीटने और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी के साथ विवेक ने सलमान पर उनका करियर खराब करने का आरोप भी लगाया था। वहीं अब बात करते हैं कैटरीना कैफ की। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में आने के लिए सलमान ने कैटरीना का हाथ थामा था और धीरे धीरे सलमान कैटरीना के दीवाने हो गए थे और सलमान कैट को लेकर काफी पॉजेसिव भी थे, और एक बार तो उन्होंने कैटरीना पर कुछ बहस होने पर एक रेस्टोरेंट में हाथ तक उठा दिया था, जिसके बाद कैटरीना ने सलमान खान से दूरी बना ली थी। हालांकि सलमान आज भी जरूरत पड़ने पर कैटरीना के साथ खड़े दिखते हैं। सलमान खान के गुस्से के चर्चे पूरे बी टाउन में फेमस हैं, तभी तो हर कोई सल्लू भाई से डरता भी है। सलमान ने अपने गुस्से की वजह से अपने कई करीबी दोस्तों को अपने से दूर भी कर दिया। इस बात का जीता जाता उदाहरण खुद शाहरुख खान है। इन दोनों ही एक्टर्स की दोस्ती तो काफी पुरानी है, लेकिन सलमान और शाहरुख की लड़ाई के बारे में तो हर कोई जानता है। इन दोनों एक्टर्स ने काफी सालों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। ऐसा माना जाता है कि एक पार्टी में शाहरुख ने ऐश्वर्या को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि सलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और सलमान ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद से इनके रिश्ते में दरार पड़ गई थी। हालांकि अब फिर से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। सलमान के एक और दोस्त हैं जिनसे उनकी बातचीत बिल्कुल बंद है। यहां तक कि दोनों एक्टर्स एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कभी साथ साथ काम करने वाले सनी देओल और सलमान आज एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते। दरअसल सनी देओल, जो कि बिल्कुल भी डांस नहीं करते, उन्होंने बिग बॉस शो के लिए रवीना टंडन के साथ खूब प्रैक्टिस की थी, लेकिन सलमान खान जो कि बिग बॉस के होस्ट हैं, उनका मन बदल गया। उन्होंने बोला कि रवीना टंडन बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो मैं उनके साथ डांस करना चाहता हूँ। यानी कि परफॉर्मेंस सनी का था, लेकिन एंट्री सलमान ने मार ली। इसके बाद सनी देओल आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि इसके बाद ये भी खबर सामने आई कि सलमान ने रवीना से कहा था कि तुम सनी देओल के साथ डांस करके बोर हो जाती, और जब ये बात सनी को पता चली तो उनका गुस्सा डबल ट्रिपल हो गया। हालांकि इन दोनों के बीच मन मुटाव के और भी कई किस्से हैं, लेकिन अगर आखिरी किस्से की बात करें तो सनी देओल ने सलमान से आखिरी बातचीत 2019 में की थी, जब सनी देओल गुरदासपुर के चुनाव लड़ रहे थे। सनी ने सलमान से सभी बातें भुलाकर उनके लिए चुनाव प्रचार करने की रिक्वेस्ट की थी। सलमान ने प्रचार करने के लिए हामी भी भर दी थी। इसके बाद दोनों एक्टर्स के साथ साथ में पोस्टर भी छप गए थे, लेकिन प्रचार वाले दिन सलमान ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सनी का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस इलेक्शन ने उन्हें सिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया, और आज का समय ऐसा है जब ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे को इग्नोर करते दिखते हैं। तो वहीं अब सलमान के विरोध में बी टाउन एक्ट्रेस पायल रोहतकी भी आ गई है। दरअसल पायल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान आप जिसे चाहे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आप दादागिरी नहीं कर सकते, साथ ही पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। हालांकि सलमान खान के गुस्सा करने की काफी ऐसे किस्से हैं जो शायद हम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी माना जाता है कि बी टाउन में कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको सलमान के गुस्से का कौन सा किस्सा पता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें।